आज हम लिनक्स में आइनोड क्या होता है यह जानेंगे। ls-i इस कमांड का प्रयोग करने पर हमें फाइल और फोल्डर के नामों से पहले एक एक नंबर दिखाई देता है। इसे आइनोड नंबर कहा जाता है। हर एक फाइल के साथ एक आइनोड जुड़ा हुआ होता है। इस आइनोड में उस फाइल के बारे में जानकारी लिखी हुई होती है, जैसे यह फाइल कब बनी, किसने बनाई, उसका आकार और प्रकार क्या है वगैरह। कंप्यूटर इस आइनोड का प्रयोग उस फाइल को पहचानने के लिए करता है। तो मूलतः कंप्यूटर किसी भी फाइल को उसके आइनोड नंबर से ही जानता है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जिस पार्टीशन पर लिनक्स इंस्टॉल किया जाता है उसमें ext3 या ext4 इस नाम के फाइल सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। इंस्टॉलेशन के समय पार्टीशन को चुने हुए फाइल सिस्टम में फॉर्मेट किया जाता है। विंडोज़ में यह FAT32 या NTFS कहा जाता है, जबकि लिनक्स में यह ext3 या ext4 आदि नामों से जाने जाते हैं। ext3 फाइल सिस्टम बनाते समय पार्टीशन के कुल हिस्से का 1% हिस्सा आइनोड टेबल के लिए छोड़ा जाता है, जिसमें हर 2 KB हिस्से में एक इस तरह से आइनोड बनाए जाते हैं। आइनोड यह एक एरे होता है जिसे एक डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इस एरे में उस फाइल के संबंध में बहुत सारी जानकारी लिखकर रखी जाती है, लेकिन फाइल के भीतर जो जानकारी है, जैसे कि अगर आपने टेक्स्ट फाइल लिखी हो तो उसका टेक्स्ट, या फिर अगर कोई ऑडियो फाइल है तो उसका ऑडियो, या फिर वीडियो फाइल है तो उसका वीडियो, यह सारी जानकारी डिस्क में अन्य जगहों पर स्टोर की जाती है, और यह जानकारी जिन ब्लॉक्स के भीतर स्टोर की जाती है उनके नंबर आइनोड के भीतर दर्ज किए जाते हैं। फाइल का आइनोड और फोल्डर का आइनोड अलग अलग तरह की जानकारी दर्ज करते हैं। एक फोल्डर के आइनोड में उसके भीतर आने वाले फाइलों के नाम और उनके आइनोड नंबर दर्ज किए जाते हैं। आपके लिनक्स कंप्यूटर में कितने आइनोड हैं यह जानने के लिए आप df कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। df यानी डिस्क फ्री, और इसका कमांड है df-ih। इसे लिखते समय हम df-ih ऐसे लिखेंगे। और एक फाइल के आइनोड में किस तरह की जानकारियां जमा की जाती हैं यह आप stat कमांड के प्रयोग से जान सकते हैं। इस फोल्डर के भीतर फाइल 2 नाम की एक फाइल है। फाइल 2 के बारे में उसके आइनोड में कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है यह देखने के लिए हम stat-file2 यह कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमने लिनक्स में आइनोड क्या होता है इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी ली है। इससे आपको आइनोड की धारणा समझने में मदद हुई होगी।